हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और सर्दी से भी बचाती है। इसे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम तिल ले लिया है और 300 ग्राम करीब गुड़ ले लिया है। और सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। तो मैंने सारे तिल को पैन में डाल दिया है और हल्का गोल्डन कलर होने तक भूनेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। तो हमने तिल को भून लिया है, इसे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा फैला देंगे। अब हम इसी पैन में गुड़ को भी डाल के मेल्ट कर लेंगे। तो मैं गुड़ डाल दिया है और इसी में थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को मेल्ट करेंगे। और इसे झाग आने तक पकाएंगे। तो इसमें झाग आ गई है, इसे आधा एक मिनट और पका लेंगे। तो आधा मिनट हो गया है और गुड़ हमारा इस तरह से हो गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और यहीं पे हम तिल डाल देंगे। इस तरह से तिल को फैलाते हुए डालेंगे और इसे गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने तिल गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम लड्डू बना लेंगे। इसे मिलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है और हाथ में पानी लगाकर लड्डू बनाएंगे। इससे हमारी हाथ भी नहीं जलेगी और लड्डू हमारे हाथ में भी चिपकेगी नहीं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। इसे ठंडा होने से पहले ही बना लेंगे, नहीं तो फिर बनेगी नहीं, ये टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिया।